माह रजब के महीने की कुछ फजीलतें आज आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। इन फजीलतों को जानने के बाद आप माह रजब के महीने की बरकतों को समझेंगे। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रजब अल्लाह का महीना है, माह शाबान मेरा महीना है और माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इस्लामिक कैलेंडर का सातवां महीना रजब का महीना कहलाता है। ये महीना बहुत ही बरकतों वाला महीना माना जाता है। इस महीने में अल्लाह की तरफ से बहुत सी बरकतें नाजिल होती हैं। जो शख्स इस महीने की बरकतें हासिल करने में चूक गया, गोया वो इस महीने की फजीलतों से महरूम रह जाएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, उसका पानी बहुत ही ज्यादा सफेद है। जो आदमी रजब के महीने में रोजा रखेगा, अल्लाह पाक उसे उस नहर में सैराब फरमाएगा जिसका पानी शहद से भी ज्यादा मीठा है और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा होगा। जो आदमी रजब का रोजा रखेगा उसे जहन्नम की आग कभी नहीं जलाएगी। एक हदीस के मुताबिक एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल कब्रिस्तान की तरफ तशरीफ ले गए। आपने देखा एक शख्स का कब्र में बहुत बुरा हाल है, उसकी कब्र जल रही थी, उसका कफन आग में खाक हो चुका था। वो शख्स आग में जलते हुए रो रो कर आपसे कहता, या रसूल अल्लाह, मुझे ये दोजख की आग जला रही है, मुझे इससे आजाद कराओ। आपने उसकी आवाज सुनकर फरमाया, अगर तू रजब के महीने में एक रोजा ही रख लेता तो आज तुझे कब्र का ये अजाब झेलना नहीं पड़ता। प्यारे रसूल की ये बात सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रजब के महीने की कितनी फजीलत है। जो इस महीने में इबादत और रोजे रखने से चूक गया, वो शख्स बहुत सारी नेमतों से दूर हो गया। इबादत के लिए इस महीने में 5 रातें बहुत ही अफजल हैं। पहली रात, 15वीं रात और महीने के आखिर की 3 रातें। पहली रात में आप मगरिब की नमाज के बाद 20 रकत नफिल नमाज पढ़ें। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार कुलवल्ला शरीफ पढ़ें। इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपको दीन और दुनिया में बेशुमार फायदे हासिल होंगे। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अनु से रिवायत है कि माह रजब में तुम रोजे रखो, क्योंकि इस माह के रोजे अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा है। कुछ अल्लाह वालों ने फरमाया कि साल तो एक पेड़ की तरह है, माह रजब उस पेड़ के पत्ते निकलने का है और शाबान में वो पेड़ फलता फूलता है, फिर रमजान के महीने में उसमें फल आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रजब में एक रोजा रखने का सवाब 3 साल के रोजे के सवाब के बराबर है।